जानता हूं मैं धर्म, बहुत सीखा है गुरुकुल में, किंतु क्षमा कीजिए माता, मैं उस धर्म पर जी नहीं सकता। मेरा धर्म तो केवल एक ही है, हस्तिनापुर का सिंहासन प्राप्त करना। खुश हो रहा है। जिस उत्तरायण पर्व की जन्म से ही मुझे प्रतीक्षा थी, अब वो निकट आ गया है। किस उत्तरायण पर्व की प्रतीक्षा थी पुत्र? जन्म धारण करते समय जब मैंने महर्षि वशिष्ठ से अपने मोक्ष का मार्ग पूछा तो उन्होंने कहा, पृथ्वी पर अपने जीवन का कार्य पूर्ण करने के पश्चात यदि तुम उत्तरायण के दिन अपनी देह का त्याग करोगे तो उत्तर दिशा की ओर जाते हुए सूर्य नारायण तुम्हें स्वर्ग का मार्ग दिखाएंगे। आज युधिष्ठिर का युवराज अभिषेक हुआ, हस्तिनापुर की राजसभा में धर्म का वहन हुआ है। आज मेरा जीवन कार्य पूर्ण हुआ माता। तुम्हें विश्वास है दुर्योधन अपनी महत्वाकांक्षाओं का त्याग कर चुका है? किंतु युवराज अभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर और उसके चारों भाई दुर्योधन से अपना रक्षण कर सकते हैं, इसीलिए आज मेरा कार्य पूर्ण हुआ माता। किसी एक प्रसंग से मनुष्य का जीवन कार्य किस प्रकार पूर्ण हो सकता है भीष्म? जीवन कार्य तो तभी पूर्ण होता है जब मनुष्य सारे बंधनों से कट जाए। किंतु माता, मैंने कोई बंधन नहीं बांधे, मैं तो केवल अपने कर्तव्य का वहन कर रहा था। कर्तव्य भी तो बंधन है पुत्र, उस बंधन से मुक्त होने का मार्ग जब तक तुम्हें प्राप्त नहीं होगा तब तक तुम मुक्त नहीं होगे। ऐसा मत कहिए माता, जीवन पर्यंत धर्म का निर्वाह करने के पश्चात भी मैं मुक्त नहीं हूंगा। मेरी मुक्ति का मार्ग क्या है? मैं नहीं दे सकती वो ज्ञान, पर शीघ्र ही कोई आएगा जो तुम्हें वास्तविक धर्म का ज्ञान देगा। केवल तुम्हें ही नहीं पुत्र, समग्र विश्व को धर्म का ज्ञान प्राप्त होगा। जब वो ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा तो तुम स्वयं को अपने आप से मुक्त पाओगे। धर्म के विषय में सब विचार करते हैं, कोई अपने ही धर्म के विषय में, कोई अन्य के धर्म के बारे में,
किसी के अधर्म को लेकर चर्चाएं होती ही रहती। कोई भी ऐसा नहीं है जो धर्म के विषय पर विचार ना करता, किंतु वास्तव में धर्म है क्या? क्या कोई ये समझ पाया है? धर्म मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ, समस्त सृष्टि के साथ सुख से जीने का ज्ञान देता है। यही कारण है कि किसी धर्म के स्थान पर मनुष्य को सदा ही शांति प्राप्त होती है। क्या यह आपका अनुभव नहीं? अर्थात धर्म मनुष्य के सारे संघर्षों का नाश करता है। पर यह किस प्रकार संभव है कि किसी मनुष्य को किसी अन्य के साथ कोई संघर्ष ना हो? विचार करें, जहां प्रेम होता है क्या वहां संघर्ष भी होता है? आप कहेंगे हाँ अवश्य होता है, किंतु आप थोड़ा और विचार करेंगे तो ये जान जाएंगे कि जिस समय संघर्ष होता है उस समय प्रेम का विस्मरण हो जाता है और फिर इच्छाएं जागती हैं, अहंकार जागता है, क्रोध जागता है, पर प्रेम ना, प्रेम नहीं जागता, क्योंकि जहां प्रेम जागता है वहां सारे विवाद, सारे संघर्ष, सारे झगड़े नष्ट हो जाते हैं। खत्म हो जाते हैं। प्रेम मतलब प्यार। यदि ऐसा ही प्रेम सारे विश्व के लिए जागे तो केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी के लिए, घास के तिनके के लिए भी यदि हृदय में प्रेम हो तो क्या कोई क्रोध का कारण रह जाता है? नहीं ना। एक व्यक्ति के हृदय में दूसरे व्यक्ति के लिए जो प्रेम का भाव होता है वही प्रेम भाव समस्त सृष्टि के लिए हो तो उसे करुणा कहा जाता है। करुणा अर्थात सारे विश्व का स्वीकार, सबके लिए केवल प्रेम और कुछ नहीं, कहीं किसी के लिए कोई विरोध नहीं। करुणा ही वास्तव में सारे धर्मों का सार। धर्म यदि वृक्ष है तो करुणा ही उसका मूल, उसकी जड़। पर बार बार ऐसा समय आता है कि मनुष्य धर्म के मूल को ही भूल जाता है, कुछ नियमों को, परंपराओं को पकड़ कर बैठता है और करुणा को भुला ही देता है। और ये जगत भर जाता है संघर्षों से, ईर्ष्याओं से, शोषण से, क्रोध से, बैर से, अर्थात अधर्म। और तब परमात्मा को अवतार धारण करना पड़ता है मनुष्य को वास्तविक ज्ञान देने की। महाभारत की ये कथा भी ऐसे ही समय की कथा है जब कुछ लोग परंपराओं को धर्म मानकर जीते और दूसरे अधर्म से भरे, क्रोध वैर महत्वाकांक्षाओं के भंवर में फंस कर धर्म का नाश कर रहे थे। व्यक्ति को व्यक्ति से प्रेम तो था किंतु समस्त विश्व के लिए प्रेम नहीं था हृदय। जगत में करुणा नहीं। इसी कारण से मैंने अवतार धारण किया। परित्राणाय साधूनां, साधुओं को मुक्त करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृता, बुरा कार्य करने वालों का नाश करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए। मैं वासुदेव श्रेष्ठ प्रवेश करने जा रहा हूं महाभारत की इस कथा में।
बातें भाई, ये था एपिसोड 66। मतलब हमें पहले ऐसा लगता था कि कृष्णा जी जो हैं ऐसे बीच बीच में हमें जो महाभारत है वो नैरेट करेंगे और मैसेज वगैरह भी देंगे, लेकिन अब जो कृष्णा जी ने बोला है कि भाई धर्म का मतलब धर्म को बचाने के लिए मैं खुद आऊँगा और अधर्मियों को विनाश कर दूंगा। कृष्णा जी मतलब बोल रहे थे कि भाई साहब अगर प्रेम हो तो घास के तिलके के लिए भी आप प्रेम रखो और पूरे विश्व को अपने प्रेम की नज़र से देखो, तभी आप मतलब आगे बढ़ पाओगे। बाकी थोड़े बहुत ऐसे वर्ड्स से मैं समझ नहीं पाया, लेकिन इतना समझ लिया कि कृष्णा जी हमें बता रहे थे कि कुछ लोग हैं जो अधर्म के साथ हैं और कुछ धर्म के साथ हैं, बाकी आगे देखेंगे आपके साथ। बाकी मुझे तो घूस बम जा रहे, मैं अभी पता नहीं मुझे क्या हो गया भाई। ये कृष्णा जी ने बोला तो मैं तो आऊँगा अभी महाभारत में, हम तो चौंक गए। तो कृष्णा जी ने बोला जो जो धर्म के मानने वाला है, रिस्पेक्ट करता है, मैं उसके साथ हूँ, जो नहीं मानेगा मैं उसको ही दुनिया से ही उठा दूंगा। बहुत सारे मेरे मन में तो एक नाम ऐसा ही है, उस पहले तो उसी को उठा दी, शकुनी को, वो तो धर्म पर है ही नहीं, उसका तो धर्म है सिर्फ वो सिंहासन अपने ही भांजे को दिलाना। मैं कृष्णा जी को रिक्वेस्ट करूंगा शकुनी को तो मार दे, जान छूट जाए हमारी। देखेंगे आगे क्या होगा भाई साहब। ये महाभारत में ये अब क्या आ गया, अब आगे तो हम तो भाई हैरान रह गए कि कृष्णा जी ने भाई खुद कह दिया कि अब मैं आऊंगा रूप बदल कर और ये लूंगा। अब यार क्या होगा, कृष्णा जी आएंगे तो अब तो मुझे लगता है अच्छा ही होगी भाई। और मुझे लगता है गंगा माँ ने भी इसका इशारा दिया कि अब तुम्हारा भीष्म जी को भाई ये इशारा मिला। और यार ये बहुत अच्छा एपिसोड था, इसमें तो भाई गूज़बम्स से पूरे ही पूरे भाई लास्ट में। तो बस भाई अभी बहुत एक्साइटेड है 67 एपिसोड देखने के लिए और महाभारत में अभी यार हमें भी मज़ा आएगा। वैसे तो हमें मज़ा आ रहा था, लेकिन अब जो 67 के बाद जो हमें देखने को मिलेगा वो आपके साथ देखेंगे इंशाल्लाह, हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी यार ये कृष्णा जी ने जो न्यूज़ हमें दी है ना, अभी हम एपिसोड डाउनलोड करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी मिल जाए तो आपके साथ और भी देखेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट में। थैंक यू।